नमस्कार, स्वागत है आपका ओनली न्यू नेशन में। जैसे शेर बकरी का शिकार करने के लिए उतावला होता है, वैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्तार अंसारी को यूपी में लाने के लिए उत्साहित हो रहे हैं। यानी कि 12 बार यूपी पुलिस जाती है, फिर भी मुख्तार अंसारी पंजाब से यूपी नहीं आते, लेकिन 13वीं बार जब जाते हैं तो उनकी 13वीं हो जाती है। पूरी एक्सक्लूसिव वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि 13वीं बार यूपी पुलिस पंजाब से मुख्तार अंसारी को लाने गई, उसके बाद क्या पलटी गाड़ी, पूरी एक्सक्लूसिव वीडियो में आपको दिखाऊंगा। क्योंकि बड़े बड़े नेता मंत्री आज उत्तर प्रदेश पुलिस की गाड़ी पे बैठना ही नहीं चाहते। उनका कहना है, आज बात करें यूपी में तो कई बड़े गैंगस्टर, चाहे वो नेता हो मंत्री हो, अगर गैंगस्टर कहीं लगा हुआ है और अगर उनको पुलिस की गाड़ी में बैठने को कहा जाए तो वो पैदल चलना अच्छा पसंद करते हैं, लेकिन कार पर नहीं बैठते। लेकिन क्या सबसे बड़ी बात है कि बाहुबली मुख्तार अंसारी को जिस तरह से भेजा जाएगा यूपी, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि अब मुख्तार अंसारी को यूपी भेजा जाएगा। क्या पलटेगी गाड़ी? क्योंकि सबसे बड़ा ट्रेंडिंग मुद्दा है, कोई गाड़ी नहीं पलटी है। लेकिन मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये जनता के शब्द है कि क्या गाड़ी पलटेगी। बता दूं, प्रयागराज की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट की यह तय करेगी कि मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में रखा जाए या किसी और जेल में। बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी को वापस यूपी भेजने का आदेश दिया है। प्रयागराज के विशेष एमपी एमएलए कोर्ट यह तय करेगी कि उसे बांदा जेल में रखना है या किसी और जेल में। बता दें कि पूर्वांचल के माफिया डॉन और बीएसपी के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को लेकर यूपी और पंजाब सरकारों के बीच इन दिनों सियासी और कानूनी जंग छिड़ी हुई थी। मुख्तार पंजाब की रोपड़ जेल में है, तो वहीं योगी सरकार उसे यूपी लाकर इलाहाबाद की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में उसके खिलाफ चल रहे मुकदमों का निपटारा कराना चाहती है। मुख्तार के खिलाफ इलाहाबाद की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में इन दिनों 10 मुकदमे हैं। इनमें से डबल मर्डर का एक मामला फाइनल स्टेज पर है, ट्रायल लगभग पूरा हो चुका है और कभी भी फैसला आ सकता है। इसके अलावा बाकी 9 मुकदमों में 6 में इन दिनों गवाही के साथ ट्रायल चल रहा है। बाकी 3 मुकदमों में अभी अदालत ने मुख्तार पर चार्ज फ्रेम यानी आरोप तक नहीं किए हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि अगर मुख्तार अंसारी पंजाब से यूपी आते हैं तो उनको किस जेल में रखा जाएगा, सबसे बड़ी बात है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ उनको इलाहाबाद में शिफ्ट करना चाहते हैं, क्योंकि गोरखपुर से इलाहाबाद की दूरी इतनी नहीं है, इसीलिए योगी आदित्यनाथ उनको वहां शिफ्ट करना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मुख्तार अंसारी क्या इलाहाबाद को जेल में रहना पसंद करेंगे, क्योंकि अभी तो उनको अमरिंदर छोड़ ही नहीं रहे। अभी कांग्रेस पार्टी की सरकार उनको पंजाब में शरण दिए हुए है और उनको बाहर नहीं निकालना चाहती है, क्योंकि जानती है कि एक गैंगस्टर है और गैंगस्टर की सज़ा क्या होती है, शायद इसको अच्छी तरीके से जानते मुख्तार अंसारी और अमरिंदर सिंह, लेकिन फिर भी बचाने में लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है, कब तक बचाएंगे। यानी कि इस बात सत्य है कि कार्रवाई कड़ी होगी। योगी ने साफ ऐलान कर दिया है, योगी ने पहले से बता रखा है कि हम उपद्रवियों को कदाप बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो भी दंगाई है, जो भी गैंगस्टर है, जो भी हिस्ट्री सीटर है, उनको हम नहीं छोड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि डॉन और माफिया बाहुबली विधायक है मुख्तार अंसारी, और उनका यूपी में आना शायद खतरे का संकेत है। और शायद योगी आदित्यनाथ क्या ऐलान करते हैं, क्या एक्शन लेते हैं, ज़रूर उन्होंने ऐसे कृत्य किए हैं जिनकी सज़ा तो इनको मिलेगी, लेकिन सबसे बड़ा ट्रेंडिंग मुद्दा गाड़ी पलटने वाला है कि क्या गाड़ी पलटेगी या गाड़ी नहीं पलटेगी, गाड़ी पलटेगी तो कैसे पलटेगी। यानी कि जनता के मन में सवाल उठने लगे, ये हमारे शब्द नहीं, इसकी पुष्टि ओनली न्यू नेशन नहीं करता, ये जनता के शब्द हैं कि योगी आदित्यनाथ किसी डॉन या माफियाओं के खिलाफ जब एक्शन लेते हैं तो लोग कहते हैं कि ये गाड़ी पलटेगी। और गाड़ी जैसे विकास दुबे, हिस्ट्री सीटर विकास दुबे के केस में गाड़ी पलटी थी, विकास दुबे की मौत हुई थी, गोलियों से विकास दुबे को मारा गया था, और वही डर आज यूपी के सभी माफियाओं में है। क्योंकि जब विकास दुबे, इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टियों का चहेता विकास दुबे नहीं बचा, तो मामूली से विधायक की क्या औकात है। यानी कि
कुछ बड़ा होने वाला है और कैसे स्वागत करते हैं योगी आदित्यनाथ यूपी में मुख्तार अंसारी को, आप वीडियो देख लेंगे, समझ जाएंगे। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि सच्चाई जनता के सामने पहुंचे, जनता जाने कि मुख्तार अंसारी यूपी आ रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है तो उनका आना लाजमी है, यानी अब कोई रुकावट नहीं है, सीधा पंजाब से उत्तर प्रदेश आ रहे हैं मुख्तार अंसारी। बने रहिए ओनली न्यूज नेशन के साथ, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, आप तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशियन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, आप तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशियन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, आप तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।